ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वेरी सिंपल टर्म्स. वन इज बुककीपिंग एंड सेकंड इज अकाउंटिंग. कॉमर्स स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मली आप वर्ड यूज करते हो अकाउंटिंग, बट देर इज ए टर्म ऑल्सो विच इज पार्ट और रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड दैट इज बुककीपिंग. इस टॉपिक को आप ये भी कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, या दोनों की कंपैरेटिव स्टडी क्या है. तो हम क्या करेंगे, इसमें बुककीपिंग का मीनिंग भी देखते हैं, चलिए अकाउंटिंग का मीनिंग भी देखते हैं, और दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि ये बुककीपिंग और अकाउंटिंग है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है. नॉर्मली ये टर्म्स यूज नहीं होती रूटीन में, बट अकाउंटिंग में जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर एक टर्म आती है बुककीपिंग. तो बुक कीपिंग का मतलब देखिए आप बच्चे क्या है, कीपिंग ऑफ बुक्स. कीपिंग का मतलब मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज बुक कीपिंग. और अकाउंटिंग में क्या आता है, देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. अब समझे स्टूडेंट्स, यहां पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग लगभग एक जैसे लगेंगे आपको, यानी मैं दोबारा बता दूं आपको. देखिए बुक कीपिंग के स्कोप में क्या है, सी द फर्स्ट पॉइंट स्कोप, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. यानी बुक कीपिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी बुक कीपिंग में क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफिकेशन. रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं, जर्नल और सब्सिडियरी बुक में, और क्लासिफिकेशन का मतलब है लेजर, यानी अकाउंट्स प्रिपेयर करना, यानी जर्नल में हमने एंट्री की है उसकी लेजर में पोस्टिंग करना. ये किस में आता है, ये आता है बुककीपिंग में. अब अकाउंटिंग में क्या है, मीनिंग और स्कोप दोनों देखिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स. अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, अकाउंटिंग में भी जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये वही हैं जो किसमें आती हैं, हमारी बुककीपिंग में आती हैं. यानी समझें आप, यानी बुककीपिंग में जो दो स्टेजेस हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, उन्हीं दो स्टेजेस से हमारा स्टार्ट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुककीपिंग जो है इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुककीपिंग कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बट बुककीपिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है. That is limited to, कहां तक limited है वो, सिर्फ recording और classification तक. यानी journal entries कर दी और ledger में posting कर दी, यहां तक तो हो गया bookkeeping. उसके साथ साथ जब हम results की summary तैयार करेंगे business results की, और उन results को हम explain करेंगे to the concerned parties, जब ये भी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूरा accounting हो जाएगा. कई books में ऐसे भी लिखा होता है, accounting starts where bookkeeping ends. समझाने के लिए यह भी ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो बुककीपिंग में आती है, और जहां बुककीपिंग खत्म हो जाए, एंड हो जाए, वहां से क्या, एक्चुअल में वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. लेकिन नॉर्मली बुककीपिंग वर्ड यूज नहीं होता बेटा. कभी भी आप भी अकाउंटिंग 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं या सीए कर रहे हैं, तो बुककीपिंग टर्म नॉर्मली यूज नहीं होती. नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में सारा कुछ आ गया, क्या, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस रिजल्ट्स. यानी अकाउंटिंग में सारा कुछ आ गया. तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है. फिर भी दोनों में डिफरेंस और कंपेरिजन के लिए थोड़ा और स्टडी करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए बुक कीपिंग का, बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन रिजल्ट्स, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस सिस्टमैटिकली. यानी बिजनेस रिजल्ट, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शंस हैं, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, सिर्फ रिकॉर्ड करना समझिए. रिकॉर्ड कहां होते हैं, जर्नल और लेजर में. और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन. अकाउंटिंग में आता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन को डिसाइड करना, असर्टेन करना, डिटरमाइन करना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, टू रिवील द पोजिशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, नेचर ऑफ जॉब.
यानी जो बुक कीपिंग है ये किस तरह का काम है, ये रूटीन वर्क है, क्लरिकल इन नेचर, यानी इसे क्लर्क कर सकते हैं, जूनियर स्टाफ कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये रूटीन वर्क है, यानी देखिए ट्रांजेक्शंस तो हर रोज होनी है, तो एज एंड व्हेन एनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब होती है उसे तुरंत हम रिकॉर्ड करते हैं, कहां, जर्नल में, सब्सिडियरी बुक्स में, और साथ ही उसकी लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये आता है क्लरिकल नेचर वर्क है, ये बुक कीपिंग में आता है। और अकाउंटिंग क्या है, देखिए एनालिटिकल इन नेचर, यानी बिजनेस रिजल्ट्स को तैयार करना, उनको एनालाइज करना, उनकी डेप्थ स्टडी करना और उनको एक्सप्लेन करना टू द कंसर्न्ड पार्टीज, इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, नॉलेज लेवल। जो बुक कीपिंग है देखिए, लिमिटेड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यहां लिमिटेड नॉलेज का मतलब क्या है, लिमिटेड नॉलेज का मतलब है नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ओनली। हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की और लेजर पोस्टिंग की अगर अच्छी सी नॉलेज हो तो काम चल जाएगा, दैट इज लिमिटेड नॉलेज। यानी कम नॉलेज से, सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम की अच्छी नॉलेज हो तो बुक कीपिंग को मेंटेन किया जा सकता है, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं। बट अकाउंटिंग टास्क, जहां तक सवाल है, अकाउंटिंग टास्क के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यानी लिमिटेड नॉलेज के साथ साथ हायर लेवल नॉलेज भी। क्यों? क्योंकि हम उसमें रिजल्ट्स की, बिजनेस रिजल्ट्स की समरी तैयार करते हैं, समरी ही तैयार नहीं करते, उन रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एंड दीज रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द बिजनेसमैन, टू द बैंकर्स, टू द इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टू द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, टू द इन्वेस्टर्स, इन सच अ वे दैट दे कैन मेक देयर डिसीजंस प्रॉपरली। यानी इसका मतलब देखिए, इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, किसमें, अकाउंटिंग में। तो ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है वास्तव में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, आप यूं भी कह सकते हो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्योंकि बुक कीपिंग में तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस है सिर्फ, रिकॉर्डिंग कहां, जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स एंड लेजर। और अकाउंटिंग को अगर ढंग से देखें, इसमें रिकॉर्डिंग भी आ गया, इसमें आपका क्लासिफिकेशन भी आ गया, समरी तैयार करना भी आ गया, एनालाइजिंग भी आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स भी आ गया। तो इट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड बुक कीपिंग इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बार बार सुने, अच्छे से समझें, ताकि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन करना समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियोज हैं, वो आपको मिलती रहे। थैंक्स।